पाकिस्तान जो है वो उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा टू गेट द इंटरनेशनल सपोर्ट या इस तरह की चीज़ें करने के लिए। इंडिया जो है ना वो कमा रहा है, वो अपनी हर चीज बेच रहे हैं, यहाँ तक कि इंडिया अपना मजहब भी बेच रहा है। तो अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। भारत ने सऊदी अरब को प्योरली बिजनेस लेंस से देखा और सऊदीया ने भी भारत को बिजनेस लेंस से देखा। पाकिस्तान ने भी अब सियासत को पीछे कर दिया है और कारोबार को आगे ले आया। पाकिस्तान की ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा तरक्की, पाकिस्तान के लोगों की कोई रिस्पेक्ट में। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना, हम पता नहीं कहां कहां जाके उनको मारेंगे। जो पाकिस्तानी पहले ही रो रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर एक नई मुसीबत जो है गवर्नमेंट ने डालने के लिए तैयारी पकड़ ली है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो इस समय पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर ये बातचीत की जा रही है कि सऊदी अरब जो है ना पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन जो है ना वो निवेश करने वाला है। अब पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि चलो देर से ही सही, पाकिस्तान ने भी जो है ना अब जो मजहब की राजनीति को पीछे छोड़कर जो है ना बिजनेस करना शुरू कर दिया है दुनिया की तरह। तो यहाँ पर हम वीडियो देखने वाले, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरब का जो एक विजिट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक विजिट कर रहे हैं और जिस तरह भारत ने सऊदी अरब को प्योरली बिजनेस लेंस से देखा और सऊदीया ने भी भारत को बिजनेस लेंस से देखा, पाकिस्तान ने भी अब सियासत को पीछे कर दिया है और कारोबार को आगे ले आया। ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर हम इसको जो है वो चला सकें। क्या जो पाकिस्तान ने इस चीज को महसूस कर लिया है कि अब हमें सियासत नहीं करनी, सिक्योरिटी के मामलात जो हम करते रहते थे हर जगह सिक्योरिटी सिक्योरिटी खेलते रहते थे, अब वो चीजें नहीं करनी, अब कारोबार करना है, अब अगर कारोबार ना किया तो हम बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लोग इस पे कहते हैं कि ये बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मैं जाती तौर पे नहीं समझता ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो चीन के साथ ही है क्योंकि ये एक बड़ा मल्टीलेयर किस्म का रिलेशन होता है। हमने ज्यादातर सऊदी अरब को फ्रॉम सोसाइटियल कल्चरल रिलीजियस लेंस से देखा है, बाकी जो लेंस हैं उसमें हमने कोई इतना ज्यादा उनसे फायदा नहीं उठाया या उस तरह हमारे और उनके इंटरेस्ट जो है वो मैच नहीं करते। अब जो सऊदी अरब का जो डेलीगेशन आया जिसमें सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो आए हैं, सुनने में आ रहा है कि $5 अरब की इन्वेस्टमेंट्स की तो बात हुई थी जब हमारे वजीर आजम वहां गए थे, सुनने में आ रहा है कि $7 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से आ रही है। इसके बदले में जारी बात है पाकिस्तान सऊदी अरब को एक कंप्लीट सपोर्ट देता है, एक कंप्लीट सपोर्ट। मेरी जाती राय इसमें यह है कि जो 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 चीनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गई, या तो वो ग्रेट पार कंपटीशन के अंदर जो है वो खाई गई है कि पाकिस्तान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वेस्टर्न ब्लॉक में है तो शायद एक वो सिचुएशन भी हमारे यहाँ है कि जहां पे चीनी जो है वो नाराज हैं कि शायद पाकिस्तान वेस्टर्न पावर्स को एक सपोर्ट दे रहा है और जो सीपैक को स्लो किया गया है शायद ये एक वो वजह है, चाइनीज इस पे नाराज है। दूसरी तरफ जो अरब वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है शायद इसको अमेरिकन या बाकी वेस्टर्न पावर्स भी जो है वो वेलकम करेंगे कि पाकिस्तान को चलाना भी तो है ना, इसको जिसमें कहते हैं ना रेड़ना भी तो आया, इन केंज रेड़ना गए। सो कुछ ना कुछ तो बहुत सारे प्लेयर्स से आना चाहिए। मुझे याद है मैं एक दफा फॉरेन ऑफिस के दोस्त से मिल रहा था तो तब ये बात है 2012-13 की, जब पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सपोर्ट आती थी, एड आती थी, सपोर्ट आती थी, जो भी उसको कह लें, डॉलर आते थे जो हमारे बारे में एक मशहूर है। तो मुझे कहता है, उन्होंने बताया, उसने कहा यार अमेरिकन कहते हैं कि यार ये हम दे दे के थक गए हैं इनको,
ऑस्ट्रेलिया को कहें, ऑस्ट्रेलिया को भी कहें, न्यूजीलैंड को भी कहें, जितने भी पार्टनर हैं यार इनकी मदद करो, इनको दो कुछ, 500 मिलियन दो, 200 मिलियन दो, 300 मिलियन दो। इसी तरह अमेरिकन और बाकी ताकतें चाहती हैं कि यार हम तो दे रहे हैं, और भी मुल्क सामने आए जो पाकिस्तान की मदद करें। मुझे ऐसा लगेगा कि अमेरिकन जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन अमेरिकन सऊदी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान जो है वो इतिहादी है अमेरिका का, और पाकिस्तान इतिहादी है अरब वर्ल्ड का, यूएई का, सऊदी अरब का। पाकिस्तान चीन, रूस, ईरान का इतिहादी नहीं है। कहते तो हैं हम चीन का, लेकिन जिस तरह चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि चीजें जो हैं वो ठीक है। उसकी वजह यह है कि रिसेंटली जो चीनियों के ऊपर पाकिस्तान में हमले हुए हैं, उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि चाइनीज जो है वो हमारी बात ही नहीं सुनते अफगानिस्तान के ऊपर। पहले वो इंडिया के ऊपर नहीं सुनते थे। हम कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो दरअंदाजी करवा रहा है या हो रही है वहां से, तो चाइना मानते ही नहीं है। अब हम कहते हैं कि जी अफगान तालिबान ऐसे कर रहे हैं, बेसिकली पाकिस्तान भी अपनी मर्जी मुसलत करना चाहता है ना, कि अफगानिस्तान को उस लेंस से देखो जिस लेंस से हम देखते हैं, इंडिया को उस लेंस से देखो जिस लेंस से हम देखते हैं। चाइनीज कहते हैं भैया नहीं, हम आपके लेंस से नहीं देखेंगे, आपका लेंस बड़ा खराब है, आपका लेंस धुंधला है, हम और लेंस से देखेंगे क्योंकि हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा बड़ा है। सो ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अंदर है, ये बेसिकली इट मे बी कॉन्सिडर्ड एज ए डिपार्चर फ्रॉम चाइनीज इन्वेस्टमेंट। मेरी एक आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मैं इसको आई कैन रीड इट दिस वे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि यहाँ पर आपने पाकिस्तान के पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा को सुना है, उन्होंने वो यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पर पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पर बातचीत की जा रही है $5 बिलियन की डील को लेकर। हालांकि ये बात कब से शुरू चल रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, कई बार खबरें आती हैं कि सऊदी अरब रिफाइनरी लगाने वाला है, कई बार दूसरी खबरें आती हैं, लेकिन अभी तक जो ये इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आई नहीं है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान का मीडिया जिस प्रकार से बात कर रहा है कि चलो जो राजनीति है उसको पीछे छोड़कर अब सऊदी अरब को पाकिस्तान भी जो है ना बिजनेस के लेंस से देख रहा है, जिस प्रकार से भारत और सऊदी अरब एक दूसरे को बिजनेस के लेंस से देखते हैं, उसी प्रकार अब पाकिस्तान ने भी देखना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से अपनी जनता को जो है ना उलझा कर रखते हैं, किस प्रकार के इशू पर रखते हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। और रही बात अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो इन्वेस्टमेंट अगर सऊदी अरेबिया करेगा भी सही, तो भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे पहले चाइना ने भी जो प्रोजेक्ट CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें कितना पैसा उसने लगाया है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट जनता को नहीं मिला है, भ्रष्टाचार हो चुका है। उसी प्रकार से अगर सऊदी अरब भी लगाएगा तो इनकी आर्मी और इनके नेता लोग जो है ना उसमें भ्रष्टाचार करके पैसा लूट लेंगे, और जनता को एंड में जाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।